Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब लोग? So, अगर आप सोच रहे हो क्वालिटी वैसी क्यों नहीं आ रही जो G7X में आती है, तो भाई देखो ऐसा है, कैमरा मैं लेकर आया हूँ साथ में, लेकिन भाई कैमरे की बैटरी आना भूल गया। क्या करें, टेंशन इतनी है, दुनिया भर के इतने फ़ोन वोन सब आ रहे हैं, मेल वेल आ रहे हैं, क्या करें, कांडी ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो अभी मेरे को फ़ोन से ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है, और ये है सैम भाई जो हमारे साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आज मतलब सिक्योरिटी में है, तो चल रहे हैं, चलो। तो अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ क्रिएटर कैंप में। क्रिएटर कैंप होने वाला है गुड़गांव में, मैं गुड़गांव जा रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ गुड़गांव, और गुड़गांव चल के आप सब लोगों से बातें करते हैं, आज का पूरा दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि कहीं से मेरे को G7X का किसी के कैमरा का जुगाड़ हो जाए, मैं ब्लॉगिंग थोड़ी कर पाऊँ। सो पूरा ट्राई करता हूँ, ओके। सो दैट्स इट, अभी मैं चलता हूँ सीधा क्रिएटर कैंप, एंड आप सब लोगों से वहाँ पहुँच के बात। तो गाइस, अच्छे आदमी का सब अच्छा चाहते हैं। मैं यहाँ पर आया हुआ था क्रिएटर कैंप में, अब मेरे को मिले भाई। भाई अपने बारे में थोड़ा बताओ। एक्चुअली मैं, मेरा नाम मोनू सागर है, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। भाई की वीडियो स्पेशल कब से देख रहा हूँ, पता है बीइंग केसी चैनल के बारे में बताओ आप मेरे को। मेरा चैनल खाली बाइक से रिलेटेड है, और आप ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट करिए। अपने चैनल का नाम बताओ। मोनू सागर नाम है। मोनू सागर भाई, मोनू सागर भाई ने मेरी बहुत 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 ही बड़ी हेल्प करी है यहाँ पर आके। मैं अपने कैमरे की, जैसा मैंने बताया, बैटरी भूल गया था, तो इन्होंने मेरे को अपने कैमरे की एक एक्स्ट्रा बैटरी लेकर आए थे, वो दिखाई है। अब मैं फाइनली यहाँ पर व्लॉग कर पाऊंगा, आप सब लोगों को दूसरे लोगों से मिलवा पाऊंगा। सो गाइस भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना खुश कर दिया भाई। भाई के चैनल के लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए, आप भी करो मदद, और गलत लोगों की क्या, उनकी खोद दो, आप खोदो गोभी। सो गाइस, अभी ना भाई है ये G4 मैजिशियन, ये 7 साल जर्मनी से कोर्स कर कर आए थे, रिकॉर्ड कर रहा है, थैंक यू। अरे भाई, सो गाइस, भाई ने पूछा मेरे से तूने करा कैसे, तो मैंने भाई को बताया कि मैंने भी 7 साल फ्रांस से कोर्स कराए थे। बिल्कुल, फ्रांस मैं जा नहीं पाया ना, मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हुआ ना। अब दोनों अब आप मेरे अब मिल गए, अब कैप्टन प्लैनेट बनाएंगे हम। इनका एडमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनको फ्रेंच किस नहीं आती थी। जी भाई बोलो, तो उनका
आपने नाम है, आपने बड़ी देर में पहचाना मेरा। मैं तो देखा था। अच्छा अच्छा, मैं देख रहा हूँ, वो लगता था भाई है। अच्छा, की बात कर रहे थे, मुझे बैठा दिया बैठा। सही है सही है। सो गाइस, भाई भाई मिले हैं, ठीक है। और दोस्तों, हमारे एक छोटा चैनल है मम्मल एडवेंचर, अगर आपको ब्लॉगिंग वीडियो देखने हो तो मम्मल एडवेंचर जरूर देखिए। उसमें आपको थोड़ा सा क्या विलेज के वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे, विलेज लाइफस्टाइल के, तो जरूर चेकअप कीजिएगा मम्मल एडवेंचर। और भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, जो वीडियो मैंने इनके लास्ट के दो दिन वीडियो देखे काफ़ी अच्छे थे। सही बात है। सो गाइस, सच को तो सभी सपोर्ट करते हैं, क्यों पाजी? भाई पूछ रहे थे मेरा दोस्त किधर है, थोड़ा बेस्ट फ्रेंड दोस्त क्या हुआ है, थाई मसाज करवाना ब्लॉग बना रहा हुआ ब्लॉग बना रहा हुआ ठीक है चलो। और उसका फार्मिंग का चैनल खुलेगा नया, हाउ टू डिक गोभी, तो भाई है और सब बैठे हुए हैं यहाँ पे सामने। भैया हमारे भैया आए हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। अरे हम उतल पुतल कर देते हैं भाई, हमें मस्ती का कुछ। आजकल बड़ा अट्रैक्शन आ रहा है, ज्यादा सब्सक्राइबर कमा रहे हैं वो तो। हाँ, वो भी कर तो लिया हमने पार्ट। तो गाइस, अपना हो गया है इवेंट खत्म। तो इवेंट होने के बाद में मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी आने का। अपने बाउंसर भैया थोड़ा घूमने चले गए हैं, तो वो आ रहे हैं गाड़ी लेके, एंड देन अब मैं जाऊँगा घर के लिए। घर निकलूँगा, घर पे कुछ बातें शेयर कर दूंगा आप सब लोगों से। बाकी का भैया ये देखो फोटो वोटो की तैयारी, ऑलमोस्ट जानते तो सबको ही हो गया आप यहाँ पे, तो किसी का चैनल सब्सक्राइब मत करना, खुद की तारीफ करूंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना जल्दी से जाके, ठीक है। ये सब तो भाई भर भर के बैठे, सब सब्सक्राइबर्स ले लेके बैठे हैं यहाँ पे। भाई आ जाओ आप। सो गाइस, हम निकल चुके हैं वहाँ इवेंट से, जो कि क्रिएटर कैंप हुआ था। और ये अपने भैया बाउंसर भाई सैम भाई हमारे साथ में गाड़ी चला रहे हैं इस टाइम पे। तो भाई कैसा रहा इवेंट, कुछ बताओ। भाई बहुत अच्छा रहा आज का इवेंट। और तो आपको एंडी भाई बताएंगे क्योंकि अंदर तो यही थे, मेरा जाना उन्होंने अलाउ नहीं करा, वरना और हम आपको बता देते। उन्हें दिख गया क्या था, गुट बच जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं था लेकिन ये थोड़ा सिक्योरिटी का मैटर था, बट चलो कोई नहीं, हम वहाँ से आ चुके हैं। और आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई इवेंट बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे क्रिएटर्स मिले, और मतलब बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ने मतलब सपोर्ट करा, बताया कि भाई तूने बहुत अच्छा काम करा, तो खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि मतलब यार हाँ, सच का तो देखो हर कोई साथ देता है। सो अभी मैं जा रहा हूँ घर पर, और गुड़गांव में हूँ, काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गए हैं हम। मतलब जिन स्पीड जिन रोड्स पर 80 की स्पीड पर गाड़ी भगनी चाहिए, वहाँ पर हमारी कितनी 30 पे भग रही है। सो ये वाला मैटर है, घर चलता हूँ, घर पे लेके चलता हूँ आप सब लोगों को जल्दी से, फिर आप सब लोगों से और भी कुछ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। गाइस, आई एम बैक होम, और आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया YouTube के क्रिएटर कैंप में। और जितना ही ज़्यादा मज़ा आया उतनी ज़्यादा थकान हो गई है, पैरों ने जवाब दे दिया है। मतलब आते टाइम मैंने गाड़ी बाउंसर भाई को दे दी थी, जो बाउंसर भाई गए थे साथ में, कि भाई गाड़ी तुम चलाओ, बिकॉज पैर ऐसा लग रहा था कि किसी ने काट के फेंक दिए। तो मैं अपना आराम से कुर्सी पर लेट गया, चेयर पर मतलब सीट पर, और फिर अपना आया हूँ वापस। अभी मैंने ब्लॉग चालू कराया। सो काफ़ी मज़ा आया क्रिएटर कैंप में, नए नए लोगों से मिले, इंट्रैक्शंस हुए हमारे बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ में, मतलब हर लेवल के क्रिएटर्स से बातचीत हुई, हर किसी का मैंने व्यू देखा, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी, चैनल से रिलेटेड भी, और हर किसी से जो प्यार मिला उसको देख के बहुत खुशी हुई। उसके बाद में हम जो थी, मेरे लिए बहुत अच्छी एक चीज़ रही कि मैंने अपने दोस्त, मेरे जिगर के छल्ले, मेरे भाई को देखा, श्लोक को देखा स्टेज पर, जो पैनल में था वो फैन फेस्ट भी करने वाला है कल, तो मेरे को बहुत बहुत पॉजिटिव फील हुआ, बिकॉज पिछले साल वो मेरे साथ में ही था फैन फेस्ट में, एंड उसका सपना था कि बोला भाई मेरे को अगले साल यहाँ पे कुछ भी करके जाना है, एंड उसकी मेहनत रंग भी लाई। मतलब हमने तो अपने टेक चैनल पर मेहनत छोड़ दी थी, लेकिन श्लोक ने जो मेहनत करी थी दैट वॉज आउटस्टैंडिंग, श्लोक की मेहनत रंग भी लाई है, और मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई उसको स्टेज पर देखने के बाद में। तो श्लोक भाई देख रहा है व्लॉग, तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस,
तो भाई है यार मेरा। उसके बाद में वहाँ पर मैं मिला बहुत सारे क्रिएटर्स से, जैसे आरजे अभिनव, हर्षदीप भाई, जैगो एंड और भी काफ़ी सारे ब्लॉगर्स थे, लाइक SRB ब्लॉग्स और भी कई सारे लोग थे। तो सबसे मिला, सबसे बात हुई और हर किसी से मतलब बहुत देर बातें हमने करी। बहुत सारे जो क्रिएटर्स थे वो भी आए मिलने के लिए, हर किसी ने साथ में ब्लॉग्स बनाए और जो मतलब सेल्फी वेल्फी ले रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ मैं आज के भाई, दिन बढ़िया निकल गया। तो अब मैं इस ब्लॉग को जल्दी से एडिट कर देता हूँ, ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ, एडिटिंग पे लगाते हैं एंड देन डाल देते हैं चैनल पे, ठीक है। तो गाइस ब्लॉग पसंद आया तो पता है क्या करना है, ब्लॉग को लाइक करना है और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। उसके बाद में एक कमेंट कर दो, भैया कैसा लगा, कुछ नया ताज़ा कुछ अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। उसके साथ में चैनल पे नए हो, पहली बार टकराए हो मेरे से, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसे बटन को भी टकरा जाओ और नोटिफिकेशन के घंटे को भी दबा देना, जो बेल है उसको भी दबा देना। आशीर्वाद तो सदा ऊपर वाले का साथ में रहता है, अच्छे लोगों के जैसे मेरे साथ में है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। ऐसे एक और ब्लॉग के साथ में बहुत जल्दी आऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। Oh, oh, oh.